अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेक पेन की आवाज। और ऐसे पेशेंट्स हमने क्लिनिक में अक्सर देखे हैं जो कि जिसको नेक पेन का प्रॉब्लम होता है और साथ साथ बैक पेन, क्योंकि हमारा नेक जो है उसके ऊपर हमारे हेड का पूरा लोड पड़ा हुआ होता है। सो इस लोड को बर्दाश्त करने के लिए हमारे पास ये नेक जो है ये उसको बेयर करता है सारे के सारे लोग। अब होता क्या है, यानी कभी कभार ओवर स्ट्रेचिंग, खासतौर पर अगर इसमें ओवर यूज से या ओवर स्ट्रेचिंग से स्प्रेन हो जाता है, मसल स्प्रेन या मसल स्ट्रेन, तो इस नेक के रीजन में मसल स्ट्रेन हो जाता है। व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेन कहते हैं अगर इंजरी टेंडन को हो या इंजरी मसल्स को, यानी मसल्स के अंदर अगर इंजरी हो या हमारे मसल्स के अंदर जो टेंडन है, टेंडन वो फाइब्रस बैंड्स होते हैं जो मसल्स को बोन्स के साथ मिलाते हैं, जो हमारे मसल्स को हमारे बोन्स के साथ मिलाते हैं उन फाइब्रस बैंड्स को हम टेंडन कहते हैं। तो इस टेंडन को अगर इंजरी हो या मसल्स को इंजरी हो ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, खासतौर पर वो बंदे जो गाड़ी चला रहा हो और गाड़ी चलाते चलाते लॉन्ग टाइम तक वो गर्दन को यूं रखा हुआ है और गर्दन में स्ट्रेचिंग की वजह से ये स्ट्रेन हो सकता है, या वो बंदे जो बेड में हो और बेड पर मोबाइल यूज कर रहा और लॉन्ग टाइम तक उसने गर्दन को यूं रखा हुआ है, तो इसकी वजह से भी इवन इसकी वजह से अगर आप अपने हिप को क्लेंच करते हो तो इस क्लेंच की वजह से भी ये मसल स्ट्रेन हो सकता है। तो जब स्ट्रेन की बात आ जाए, स्ट्रेन कहते हैं इंजरी टू द मसल या इंजरी टू द टेंडन, तो इन दोनों की इंजरीज को हम स्ट्रेन कहते हैं। एक हमारे पास है स्प्रेन। स्प्रेन मतलब अगर वो फाइब्रस बैंड्स यानी जो कि हड्डी को हड्डी के साथ मिलाता है उस फाइब्रस बैंड्स को हम लिगामेंट्स कहते हैं। लिगामेंट्स जो कि बोन्स को बोन्स के साथ बोन्स को बोन्स के साथ मिलाता है इनको हम क्या कहेंगे, लिगामेंट्स। तो अगर लिगामेंट्स के अंदर टियर हो या लिगामेंट्स के अंदर इंजरी हो तो इसको हम स्प्रेन कहते हैं। और ये हमारे पास स्ट्रेन जो कि दोनों एक दूसरे से थोड़े से बाकी सारे सिम्टम्स दोनों की सेम है लेकिन लोकेशन वगैरह में डिफरेंट है, क्योंकि ये मसल्स और टेंडन के लिए जबकि वो हमारे पास लिगामेंट्स में। तो यहाँ पर हम नेक की बात करते हैं, तो स्ट्रेचिंग की वजह से हमारे नेक में जो हमारे नेक के मसल्स हैं उसमें स्ट्रेन हो सकता है, तो हमारे नेक के मसल्स में स्ट्रेन हो सकता है, तो इस स्ट्रेन की वजह से हमें नेक पेन फील होगा। तो हमें नेक पेन तो एक जो हमारे पास कॉज है, पहला कॉज वो क्या है कि मसल स्ट्रेन की वजह से। दूसरा कॉज ये हमारे जो नेक का जो रीजन है वो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उनसे बना, तो C1 से लेकर C7 तक, जो C1 है, C2 है और C3 जो हमारे सर्वाइकल जो नर्व है जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं, ये जो सर्वाइकल नर्व C1, C2 एंड C3 ये हमारे हेड के रीजन को और हमारे नेक के रीजन को कंट्रोल करता है। C1, C2 एंड C3 जो C5 है, C5 शोल्डर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, जबकि C6 जो है वो बाइसेप को कंट्रोल करता है, बाइसेप और डेल्टॉइड मसल्स को C6 कंट्रोल करता है, जबकि C7 जो है ये हमारे पास ट्राइसेप और रिस्ट को कंट्रोल करता है, ट्राइसेप और रिस्ट को कंट्रोल करता है। तो अमूमन हमारा जो नेक है वो C1 से C7 सर्वाइकल जो वर्टिब्रे के से बनूंगा, तो मैं एक वर्टिब्रे को यूं ड्रा करता हूं, तो अब इन वर्टिब्रे के बीच डिस्क होता है, तो यहां पर बिल्कुल वर्टिब्रे के साइड पर इधर इंटर वर्टिब्रल फॉर्मिंग होता है, इस इंटर वर्टिब्रल फॉर्मिंग से हमारा जो नर्व है वो पास होता है। अब होता क्या है, ड्यू टू लोड की वजह से, ज्यादा लोड की वजह से या किसी और मसले की वजह से, किसी और इंजरी की वजह से, ये जो हमारा डिस्क है इस डिस्क में बल्ज यानी इस स्लिप हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज बन जाता है। तो ये बल्ज ये इधर आकर
ये इस नस के ऊपर प्रेशर लगाएगा। तो जब ये इस नस के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो हमें पेन हो, हमें क्या होगा पेन हो। तो हम कहते हैं हमारे सर्वाइकल रीजन में अमूमन जो पेन होती है, जो दर्द होती है, वो इस डिस बल्ज होने की वजह से भी हो सकता है, या ऑस्टियोफाइट्स में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता क्या है कि यहाँ पर बोन स्पर्स बन जाता है, तो उन बोन स्पर्स की वजह से भी हमें पेन होता है, हमारे नर्व के ऊपर प्रेशर आता है। तो हमारे नर्व के ऊपर जब प्रेशर आएंगे तो हमें क्या होगा पेन। तो हम कहते हैं बोन स्पर्स या डिस स्लिप की वजह से भी हमें नेक का नेक के रीजन में जो पेन है वो हो सकता है। पहला तो मैंने बता दिया कि मसल स्ट्रेंथ की वजह से, दूसरा ये है कि डिस बल्ज या डिस स्लिप या बोन स्पर्स का टूटना। तो बोन स्पर्स इज द अदर कॉज ऑफ नेक पेन। तो बोन स्पर्स भी हमारे पास बन जाते हैं, तो इसकी वजह से भी नेक स्पर्स बन जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा नर्व कंप्रेस होता है, और जिसकी वजह से नेक पेन। अच्छा, तीसरा जो काज है हमारे पास, ऐसे तो बहुत सारे काज हैं, तो कुछ जो मेन काज है वो मैं डिस्कस करूंगा। तीसरा जो काज है इंजरीज, जो लोग बाइक पर या मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, अच्छा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट से हमारा जो हेड है वो फॉरवर्ड मूवमेंट करता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करता है, जो कि हमारे जो गर्दन की मूवमेंट्स वो एक खास लिमिट्स तक होती है, तो उस लिमिट्स को ये क्रॉस करते हैं, तो उस लिमिट्स पे जब ये क्रॉस करते हैं तो हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, लिगामेंट या टेंडन्स वगैरह, इनकी ये रप्चर हो जाते हैं या फिर इनके अंदर इंजरीज होती है। तो असल में इस इंजरीज की वजह से हमें पेन हो, तो हम कहते हैं हमारे सॉफ्ट जो टिश्यूज हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, तो इनकी वजह से भी नेक में पेन हो सकता है। तो पहला वजह मैंने बताया, दूसरा वजह मैंने बताया, और तीसरा वजह ये है कि इंजरीज। अच्छा, फोर्थ में जब हम जाएंगे तो फोर्थ में हमारे पास ये भी हो सकता है नेक जो पेन है, वो लोग जो एंजाइटी के पेशेंट हैं, जो स्ट्रेस ले रहे हैं, तो स्ट्रेस से भी हमारे मसल स्टिफ होंगे, तो हमारे मसल स्टिफ होंगे तो उस वजह से भी हमें सर्वाइकल पेन हो सकता है। खासतौर पर जो नेक पे बड़े बड़े मसल हमारे पास आ रहे हैं, स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स, तो इस मसल्स के अंदर अगर स्टिफनेस, क्योंकि ये मोटर फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। एक हमारे पास है ट्रेपेजियस मसल, ये जो दोनों बड़े बड़े मसल्स हैं, ट्रेपेजियस मसल्स और स्टर्नोक्लाइडोमास्टॉइड मसल्स, ये हमारे जो मूवमेंट है, चाहे वो एक्सटेंशन एक्सटेंशन और सर्कमफेरेंस मूवमेंट है, इन सारे मूवमेंट्स को ये कंट्रोल करता है। तो अगर इसके अंदर स्टिफनेस, ओवरऑल स्टिफनेस ड्यू टू एंजाइटी या ड्यू टू बैड पोस्चर की वजह से ये चीज़ आ सकता है, तो उसमें भी हमारे पास नेक पेन हो सकता है। या वो बंदे जिनको काइफोसिस, काइफोसिस उसमें भी अगेन पोस्चर हमारा यू हो जाता है, यानी हमारे गर्दन यू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी हमारे जो वर्टिब्रीज है, खासतौर पर सर्वाइकल जो वर्टिब्रीज है, यहाँ पर लोड आ सकता है, और इसकी वजह से डिस्क स्लिप हो सकता है। तो उस वक्त भी हमें, क्योंकि बेंच पोस्चर है ना काइफोसिस, तो इस वजह से भी हमें नेक पेन हो सकता है। और एक है बोन, बोन जॉइंट्स, बोन जॉइंट्स कहते हैं उम्र के साथ साथ हमारे जॉइंट्स कमजोर पड़ जाते हैं, तो जब जॉइंट्स कमजोर पड़ जाते हैं तो जॉइंट्स के बीच जो कार्टिलेज, वो कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर हड्डी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, तो जब करीब आ जाते हैं तो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन से उस वक्त हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो इस वजह से पेन भी होगा और साथ साथ जॉइंट्स में स्टिफनेस भी हो सकती है, तो इस वजह से भी हमारे नेक रीजन में पेन हो सकता है। तो अगर इस तरह डिस बल्ज आपके लंबर रीजन में, तो फिर ये बैक पेन का असर है, लेकिन अगर आपके सर्वाइकल रीजन में हो तो फिर वो सर्वाइकल पेन या नेक पेन का असर कर सकते हैं। तो इस सारे के सारे वजह थे, यानी कासिस थे नेक पेन को ट्रीट करने के लिए। तो अब हम आते हैं कि आपके डॉक्टर्स उसको कैसे पता चलेगा कि आपको नेक पेन है, तो वो आपसे हिस्ट्री लेगा, आपकी फिजिकल एक्सप्लेनेशन करेगा। फिजिकल एक्सप्लेनेशन में वो आपके रेंज ऑफ मोशंस को देखेंगे और साथ साथ
टेंडरनेस देखिएगा कि कहीं पर तो मसल्स स्टिफ नहीं है, तो ये सब कुछ आपके सेंसरी जो रिस्पॉन्स है वो भी आपके डॉक्टर चेक करेंगे। तो वो कैसे, फिर इसके साथ साथ आपको डॉक्टर्स ये रिकमेंड करेंगे यानी एक्सरे रिकमेंड करेंगे। एक्सरे से ये है कि एक्सरे से हमें जहाँ पर नर्व पिंच हो या बोनी स्पर्श बना, तो ये बोनी स्पर्श और वे पे जो नर्व पिंच हो तो वो भी हम एक्सरे से आसानी से देख सकते हैं। तो हम एक्सरे करवाते हैं डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए, हम एक्सरे रिकमेंड करते हैं और साथ साथ हम सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से ये है कि क्रॉस सेक्शनल आपको जिसकी वजह से हमारे नेक में पेन, तो उस इंफेक्शन को रूल आउट करने के लिए ब्लड टेस्ट करवाएं। हम सीएसएफ भी करा सकते हैं क्योंकि जो नेक पेन है ये और ऐसे डिजीज है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे कि कैंसर वगैरह और जैसे कि मेनिनजाइटिस, तो ये ऐसे डिजीज है जिसकी वजह से हमें नेक पेन हो सकता है। तो इस मेनिनजाइटिस को रूल आउट करना ताकि हमें पता चले कि इस बंदे को तो मेनिनजाइटिस नहीं, जिसकी वजह से भी कि मेनिनजाइटिस जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की इफेक्ट हो रही है, उस लाइनिंग को हम मेनिनजाइटिस, तो उसके अंदर अगर इन्फ्लेमेशन तो उसको कहते हैं मेनिनजाइटिस। तो उस रूल आउट करने के लिए हम जो सी नंबर पंक्चर जो टेस्ट होता है नंबर पंक्चर, उसमें हम सीएसएफ यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड निकालते हैं और फिर उसको लैब में चेक कराते हैं कि आया उसके अंदर इन्फेक्शन तो नहीं यानी मेनिनजाइटिस तो नहीं, ताकि हमें पता चले कि ये कहीं मेनिनजाइटिस की वजह से तो नहीं हो। तो ऐसे बहुत सारे पास, तो अब ये हम डायग्नोसिस पर्पस के लिए ताकि हमें पता चले कि ये अगर नेक पेन है तो ये नेक पेन किस वजह से, वो वजह पता कराने के लिए हम ये सब कुछ पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। अब हम जाते हैं ट्रीटमेंट। अगर वो स्ट्रेस में यानी स्ट्रेस के ड्यू टू स्ट्रेस भी बाजों का नेक पेन होता है, तो अगर स्ट्रेस की वजह से तो फिर हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स से ये होता है कि स्ट्रेस रिलीज होगा, तो जब स्ट्रेस रिलीज होगा तो मसल्स के अंदर जो स्टिफनेस है या मसल जो है वो भी डिक्रीज होगी। तो साथ साथ हम एंजाइटी के लिए ड्रग्स देते हैं। एंजाइटी के लिए हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स हैं जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स, जैसे कि सेट्रलिन है हमारे पास, जैसे कि स्टोलोप्रा, एसेटोलोप्रा, फ्लोक्सेटिन, ये सारे के सारे हम दे सकते हैं। प्रोटाकिन अगर नींद भी सही नहीं तो ये सारे के सारे ड्रग्स हम दे सकते हैं इनहिबिटर्स। लेकिन ड्रग लेने से पहले अपने डॉक्टर से पूछना होगा। तो ये चीज और हम साथ साथ में अगर मसल स्टिफनेस की वजह से हैं, क्योंकि बाद होता है जब मसल स्टिफ होती है तो मसल स्टिफनेस की वजह से भी पेन होता है, खासतौर पर हमारे लंबवाड मसल शोल्डर के बीच में, तो इधर भी अक्सर ये मसल स्टिफ होते हैं। और ये बेड पोस्चर या अगर आप गलत तरीके से होते हो तो हमारा ये मसल से इसमें भी स्टिफनेस आ सकती है। तो अगर मसल स्टिफनेस हो तो हम न्यूट्रल फॉल्ट यानी ट्रिप्टन दवा के पास क्या होगा, हम पेशेंट को न्यूब्रल फोर्ट भी लिखवाते हैं। हम न्यूब्रल फोर्ट देते हैं जो कि मसल रिलैक्सेंट टैबलेट, साधा न्यूब्रल भी आता है और न्यूब्रल फोर्ट भी आता है, न्यूब्रल फोर्ट जिसका फॉर्मूला है ऑफेंडिन और पैरासिटामोल, यानी इसको बीटी देते हैं सुबह शाम एक एक बजे, जो क्या के मसल्स को स्पाजम से बचाए और आपके मसल्स को रिलीफ। तो हम न्यूट्रल फोर्ट भी देते हैं और न्यूट्रल फोर्ट के साथ साथ अगर नर्व पिंच भी है, नर्व इंपिंच है, तो हम
हम सीखिए पी इसके साथ साथ दिस। अगर पानी इस पर पड़ेगा तो साथ साथ आप जो टेबलेट हमारे पास आते हैं उसमें टी टेबलेट उसमें डी ये बॉडी लिया तो आप उसमें टी भी दे सकते हो। अगर बोन वीकनेस है तो बोन वीकनेस की वजह से या ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से या आर्थराइटिस की वजह से भी हमारे नेक में पेन होता है तो हम साथ साथ में हड्डियों को मजबूत करने के भी ड्रग्स देंगे जैसे कि ऑस्टियोनेट या हफ्ते में एंट्रोप्टी जो हमारे पास सजेशन आते हैं वहीं भी लगाते हैं या दूध में मिला के हफ्ते में लेके उसको जो पेशेंट है हम दे देते हैं तो साथ साथ हम भी दे सकते हैं। तो और हम क्या दे सकते हैं यानी क्योंकि नर्व जो इंक्रीज है या जो मसल्स की इंक्रीज उसमें जो बहुत इफेक्टिव है वो हमारे पास है मेथोकोबा प्लस थेरेपी। मेथोकोबा एक दिन छोड़ क्या के आप इस तरह से 7-8 दिन तक दे सकते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव है खासतौर पर अगर नेक पेन हो या लंबर रीजन में अगर हमारे पास पेन हो तो इस तरह क्योंकि उसकी साइड इफेक्ट्स भी थे हम जब